कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो, मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि किस 3 तरह का जल भगवान शिव को समर्पित होता है। यदि वीडियो में बताए गए उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है हमारा। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, परहा पुराण में, बामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो, तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है, औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल, तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेल पत्र का जल, बेल पत्र का जल कैसा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया, इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया, और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। हमें उम्मीद है सभी दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करें ताकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे अचूक उपाय ला सकें। जय महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुरु जी ने बताया है कि 3 प्रकार का जल महादेव को समर्पित होता है। पहला जल सादा जल होता है जो हम अपने घर से लोटा भर के ले जाते हैं और महादेव को चढ़ाते हैं। दूसरा जल, आपको एक लोटा सादा जल लेना है और उसमें थोड़ा सा इत्र डालना है। इस प्रकार के जल को रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है, कैसी भी बीमारियां हो या कैसा भी रोग हो वह कम होना चालू हो जाता है। तीसरा जल बिलपत्र का जल होता है। बिलपत्र का जल, आपको एक लोटा सादा जल लेना है और उसमें एक बेलपत्र डाल लेना है और चले जाना है शिवलिंग के पास। अब उस जल और बेलपत्र सभी को एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मन में ही अपनी कामना बोल देना है। इस प्रकार यह 3 प्रकार के जल शिव जी को समर्पित किए जाते हैं।
हम आशा करते हैं आपको उपाय समझ आ गया होगा कि कौन कौन से जल किस किस समय और किस किस चीज़ों के लिए चढ़ाए जाते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।